यार बड़ा नुकसान हो गया। फिशिंग टैंक जो हमने बनाया था वो तकरीबन 80% फेल हो गया है। उसके बाद इसके अंदर केज के अंदर वो देखे सारी लीकेज हो रही है, अंदर से इधर से भी लीकेज हो रही है सारी, और इधर से भी लीकेज हो रही है यहाँ से भी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बड़े दिनों के बाद पुराने सेटअप पे बना रहे हैं व्लॉग। उसकी वजह ये है कि न्यू सेटअप के कामों में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि यहाँ पे आगे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता। वैसे आगे खुराक पानी करते हैं, पानी इनकी हवा चेक करके जाते हैं, एयर कूलर का पानी चेक करके जाते हैं, सारा कुछ चेक करके जाते हैं, लेकिन न्यू सेटअप का जो शशका है ना उसकी अपना ही मतलब वाइब है, उसकी लहदा ही वाइब आती है। बाकी आज यहाँ पे हम आए हुए हैं, कुछ दो चार मिनी व्लॉग्स बनाए हैं टिकटॉक के लिए, कुछ अब यूट्यूब का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको लेके जाते हैं न्यू सेटअप पे और आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या कुछ बन गया और क्या कुछ बाकी है। हम कुजे सारे निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पे, जिनमें एग्स नहीं है वो वाले कुजे निकाल रहे हैं, जिन जिनमें एग्स हैं वो वाले कुजे हम नहीं निकाल रहे। और ये रहा जी हमारा हीरो, हीरो हमारे साथ ही रहता है हमेशा, या मेरे शोल्डर पे या फौजी भाई के शोल्डर पे, बल्कि फौजी भाई के शोल्डर पे नहीं, फौजी भाई के सर पे ही रहता है हमेशा। ये फौजी भाई के सर पे सवार रहता है ऐसे। तो अच्छा जी, अब इनको कुजों को निकाल के यहाँ से लेके जाएंगे दूसरे सेटअप पे, वहाँ पे इनको जाके पेंट करेंगे और बाकी कुजों के साथ लगाएंगे जहाँ पे बाकी लगे हुए हैं। क्या हुआ है? नहीं निकला क्या वजह? गंदे हीरो, क्या किया? बिट कर दिया उसने, गंदा गंदा ही रिया ना किया करना ही रिया। यहाँ पे बैठ। हाँ कपड़े खराब कर मेरे, अपना करी कुछ, इधर आ जा मेरे पास, आ जा मेरे शोल्डर पे, आ जा मेरे शोल्डर पे। नहीं बैठ रहा फौजी भाई, ये नहीं निकलता यार। इसकी तार ये वाली तोड़नी पड़ेगी आई थिंक। नहीं नहीं वो याद आ गया, ये बहुत देर पहले का फिक्स किया हुआ था ऊपर से। अच्छा ये वाला कुछ, ये वाला जो केज है ऊपर से भी खुलता है ना? ओके। दरवाजा बंद कर दे, ये भाई ना चले गए ऐसे। दरवाजा बंद है भाई। ओके। अच्छा तो ये वाला जो केज है ये ऊपर से भी खुलता है, इस केज को ऊपर से खोल के इसमें से निकालते हैं हम ये कुजा, क्योंकि ये भी खाली है, इसमें कोई बच्चे नहीं है, कोई एग्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ आठ कुजे ये भी हैं, ये भी ले जाएंगे, एक वो सामने वो भी चेक करेंगे और एक लास्ट पे ये भी चेक करेंगे, देखते हैं इनमें कुछ है कि नहीं। बाकी ले जाते हैं ओके। बर्ड्स वाली शिफ्टिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक या दो दिन में, बाकी आज यहाँ से हम कुजे और बॉक्सेस उतार के लेके जा रहे हैं और सेटअप तकरीबन 95% कंप्लीट हो गया, सिर्फ 5% बाकी है। और वो क्या है कि फिनिशिंग वाला पेंट करना है एक दफा दोबारा, ठीक है, और उसके बाद वहाँ का सामान पूरा करना है, मतलब मेडिसिन वगैरह खुराक वगैरह सारा कुछ पूरा करना है और वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह पाक ने चाहा तो वो वाला सेटअप अच्छा ग्रो करेगा और हेल्दी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी कुजे सारे उतार लिए हैं, आप कुजों को उतार के लेके जा रहे हैं न्यू सेटअप पे, बाकी आपको जाके सेटअप भी दिखाते हैं कितना कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम वहाँ पे हो रहा था वो जाके दिखाते हैं। ये फौजी भाई ने कुजे उठा लिए हैं, हम जा रहे हैं न्यू सेटअप पे, चलो आ जाओ फिर मिलते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली दफा इस टैंक में हमने पहला काम स्टार्ट कर दिया, इसमें पानी डाल दिया अल्लाह पाक के फजलो करम से, चेक करते हैं इसकी मजबूती भी और इसमें जो पानी का कलर आएगा वो भी चेक करेंगे और इसकी सफाई भी हो जाएगी इसी बहाने से। अभी इसमें पानी छोड़ दिया, इसको फिल होने में तकरीबन लगने वाले हैं कोई कम से कम लगने वाला आई थिंक लगने वाला है तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसको फिल होने में। इसको फिल करते हैं साथ साथ और मोटर चला देते हैं ताकि थोड़े से प्रेशर से पानी आने लग जाए और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के देखते हैं कि इसके ऊपर से मतलब जो पानी गिरता है इसके अंदर से पानी जो गिरेगा वो कैसे आएगा। इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ मैं, अभी देखता हूँ इधर से पानी कैसे गिरेगा ये भी पता चल जाएगा। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि ये तजर्बा हमारा इंशाल्लाह कामयाब होगा और इसमें फिशेस जो रहेंगी वो बड़ी हैप्पीली रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी डॉग ले आए हैं, डॉग सबसे पहले शिफ्ट किया यहाँ पे, ये देखें डॉग हमने सबसे पहले शिफ्ट कर लिया भाई, डॉग आपको पता रखवाली करता है यहाँ के। फिर तो उसके बाद फिर ये मुर्गियाँ वगैरह शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर परिंदे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह अज़वजल कल ही। अभी बैद भाई ने हुरमची तैयार कर ली है, ये सारा पेंट एक दफ़ा दोबारा होगा क्योंकि तैयारी के दौरान काफ़ी गंदगी हो गई थी, अभी ये सारा पेंट एक दफ़ा दोबारा होगा इंशाल्लाह और फिर देखना फाइनल लुक कैसी आएगी इंशाल्लाह। हैं ये स्प्रे ओके गोल्डन स्प्रे मंगवाई है, ये जो कुछ बाकी है ना इनको पेंट करने के लिए गोल्डन स्प्रे मंगवाई है अभी, मतलब वो पेंट स्प्रे लेके आएगा वो भी आपके सामने करते हैं। फिर कुछ ये वाले भी लगाने हैं और अंदर हुरमची फेरनी है, अंदर वो सामने पत्थर पड़े हैं वो रखने हैं, इसके अंदर पत्थर रखने हैं, सारी सफाई करनी है। आज हम जो सफाई वाला काम है वो सारा फिनिश करके जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी का जो काम होगा वो कल होगा इंशाल्लाह। बस पानी आ ही नहीं रहा भाई, मोटर चला दो अभी, वो इधर से पानी क्यों नहीं गिरा अभी तक, इधर से पानी गिरना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मोटर चलाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के।
अभी मोटर चलती है और ये फिल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लुक आती है। मोटर हमने चला दी हुई है, बस पानी इसमें जाना स्टार्ट हो गया और इधर से पानी निकलना स्टार्ट होगा, फिर इधर आएगा सारा पानी। और नीचे वो वाली मोटर भी है, वो जो है ये जी पानी आ गया पहली दफा। क्या आपने निकाला भाई साहब? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अल्लाह खैर करे। तो फिर वो जो मोटर है वो उठा के दोबारा ऊपर फेंकेगी, ठीक है, वहाँ से पानी दोबारा ऊपर, ठीक है, और मतलब इधर से दोबारा अंदर। ये ऐसे सर्किट चलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि जैसा बनाया ये सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेगा। अभी देखते हैं, इसको फिल होने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, है ना आसम भाई? यार आसम भाई आप कितने प्यारे हो यार, आप कितने क्यूट हो यार, आप कितने अच्छे हो यार। ये मैंने आज का सबसे बड़ा झूठ बोला है गाइस, मुझे माफ़ कर देना। महाराज जी अल्लाह खैर करे, सेटअप हमारा रेडी है। हमारा वेल्डर भाई भी आ गए हैं, उनसे पता करना है। इसके ऊपर एक जाली रखवानी है और उसके ऊपर एक जाली रखवानी है, और हमारी ये एक तार लूज हो गई है, इस ग्रिल की तार लूज हो गई है, वो लगवानी है। भाई हमारा काम ही वीडियो वाला है भाई जान, ये सारा कुछ कर ही वीडियो के लिए रहे हैं हम। क्या हो गया आपको? तो ये वाली तार टूट गई है एक, इसको दोबारा लगवाना है। वो सामने हुक्का आपको नजर आ रही होगी, वो टूट गई है, तो अभी उसको लगाते हैं, दोबारा लगवाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। अभी इधर से पानी स्टार्ट आना हो गया, पानी गिरना स्टार्ट हो गया नीचे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क करने वाला ये, उम्मीद तो है, बाकी देखते हैं। यार बड़ा नुकसान हो गया, फिशिंग टैंक जो हमने बनाया था वो तकरीबन 80% फेल हो गया है। फेल इस तरह हुआ है कि लीकेज बहुत ज्यादा है और उसका जो मतलब पेंट है वो भी उतरना स्टार्ट हो गया। लीकेज है जो सबसे पहले लीकेज हो रही है यहाँ से हो रही है, उसके बाद इसके अंदर केज के अंदर वो देखे सारी लीकेज हो रही है, अंदर से इधर से भी लीकेज हो रही है सारी, और इधर से भी लीकेज हो रही है यहाँ से भी, ठीक है, ये भी सारी लीकेज हो रही है। बुरी तरह फेल हो गया ये टैंक वाला तजर्बा। बाकी सुबह एक बुजुर्ग है हमारे इलाके में, वो सारा मतलब यही काम करते हैं, फिशिंग टैंक वाला ही काम करते हैं, उनसे सुबह कंसल्ट करेंगे इंशाल्लाह, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इसका क्या सलूशन है, अब इसका क्या हल हो सकता है। या तो फिर ये सारा डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाना पड़ेगा, या फिर इसी का कोई सलूशन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह उन बुजुर्गों को लेके आएंगे और लाके उनको ये चेक करवाएंगे और देखेंगे इसका क्या सलूशन हो सकता है। टैंक के बुरी तरह फेल होने के बाद अब इसमें से पानी सारा निकालने लगे हैं, यहाँ से पानी निकलता है। ओके, जो मतलब बुजुर्ग है ना, जो इसके मतलब स्पेशलिस्ट हैं, टैंक स्पेशलिस्ट हैं, उनको फोन किया, अगर वो आ गए तो अल्लाह खैर करे, उम्मीद तो है। ये क्या उम्मीद तो है कि वो आएंगे और इसका कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हुरमची हमारी तैयार हो रही है, अल्लाह खैर करे, ये होगी इन सारी दीवारों पे, ठीक है, ये जो सारी ये इस केज में भी होगी, बाहर से फिशिंग टैंक के बाहर से होगी, ये वाला केज दोबारा हो गया क्योंकि क्यारी में जब पानी डाला कुछ 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 जगह से लीकेज हो रही थी, वो हमने फिलिंग कर दी है। तो अभी हुरमची दोबारा तैयार कर रहे हैं, हुरमची तैयार करके फिर एक दफ़ा सारा फ्लैट दोबारा लालो लाल कर देंगे, फिर आप कहोगे लाले माले। माता फोन आ रहा है। तो अभी बारी है अंदर का जो फर्श है ना उसको रेड करने की, हाफ मैंने कर दिया है, हाफ अभी कर रहा हूँ। इसे करने का तरीका कर दिया, मैं इसे पहले नीचे गिरा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे नीचे गिराता हूँ ऐसे करके ना, ये देखें ऐसे नीचे गिरा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे गिरा के उसके बाद जो है जी मेरा ये ब्रश यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको उठाता हूँ, इसको ला के ऐसे अच्छी तरह ब्रश के साथ इसे मर्ज कर देता हूँ। फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है और मेमोरी भी फुल हो चुकी है और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।